तो भाई लोग, लोकी सीजन 2 का 6th और आखिरी एपिसोड आ चुका है एंड वर्ड्स आर नॉट इनफ टू से हाउ इनसेनली गुड द एपिसोड वॉज। हेलो गाइस, मैं हूं संकेत और मैं हूं कौशिक। तो एपिसोड चालू होते ही हमें एस्टैब्लिश किया गया है कि लोकी बहुत टाइम ट्रैवल करेगा पास्ट को बाय शोइंग अस मार्वल इंट्रो इन रिवर्स। यस, रिवर्स। फिर हैज एपिसोड 5 के एंड में वो टाइम स्लिप करके पास्ट में जाता है और उधर से ही एपिसोड चालू होता है। तो विक्टर टाइमली रेडी होके कुत्ता है और स्पेगेटी बन जाता है। तो लोकी को समझ जाता है कि क्या हो रहा है। सो वो ओबी को पूछता है हम क्या अलग कर सकते थे। तो ओबी बोलता है वी कूड हैव डन इट फास्टर। तो वो हर टिपिकल टाइम ट्रैवलिंग मूवी की तरह पास्ट में जा जाके अटेम्प्ट करता है बट सारे अटेम्प्ट फेल होते हैं। तो वो सोचता है और पीछे जाएंगे। तो उधर पूरा प्रोसेस लोकी स्पीड स्पीडली करता है बट उसे समझता है कि थ्रूपुट मल्टीप्लायर को मॉडिफाई करने में टाइम वेस्ट होगा ही। सो लोकी डिसाइड्स टू लर्न एवरीथिंग दैट ओबी नोस बट इट्स नॉट ईजी बिकॉज इट टेक्स हिम लिटरली फ्यू सेंचुरीज टू लर्न एवरीथिंग लिटरली फ्यू सेंचुरीज। तो लोकी सब सीखने के बाद वो खुद थ्रूपुट मल्टीप्लायर बना देता है और पूरा प्रोसेस फास्टली कर देता है एंड फाइनली दिस टाइम विक्टर टाइमली सक्सीड होता है एंड वो थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्च करता है और लूम का साइज बढ़ता है एंड एवरीथिंग इज हैप्पी। बट ये इधर ख़त्म नहीं होता, टेम्परल लूम फिर भी ओवरलोड हो रहा होता है। तो लोकी को समझता नहीं, तब टाइमली बोलता है इट्स लाइक तूने लूम का विड्थ तो बढ़ाया है बट ब्रांचेस तो इन्फाइनाइटली ग्रो कर रहे हैं, तो उन इन्फाइनाइट ब्रांचेस को तू इसमें कैसे फिट कर सकता है। ये सुन के लोकी टूट जाता है, डिप्रेशन में जाके देवदास बन जाता है। तो फिर हमें दिखाते वो सीन जिधर सिल्वी ऑलमोस्ट ही हु रिमेंस को मारने वाली रहती है और लोकी उसे रोकता है। तो लोकी इस बार उधर टाइम स्किप करता है और वेरियस अटेम्प्ट्स करता है सिल्वी को रोकने बिकॉज लोकी नोस की ओनली वे ऑफ सेविंग एवरीथिंग इज बाय नॉट किलिंग ही हु रिमेंस। बट हर बार लोकी फेल होता है और सिल्वी ही हु रिमेंस को मार डालती है। तो लोकी ही हु रिमेंस को बोलता है तू कुछ करता क्यों नहीं। तभी वो ही हु रिमेंस टाइम पॉज करता है और बोलता है ये सब मैंने ही तो प्लान किया है, तेरा टाइम स्लिप होना, तू यहाँ आना, आई पेव्ड द रोड फॉर दिस व्हाट। तो तब वो एक्सप्लेन करता है टेम्पररी लूम इज फेल सेफ कि जब वो ओवरलोड होने लगेगा वो बस्ट होके सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा सारे टाइमलाइंस को डिलीट कर देगा अलोंग विद टीवीए बिकॉज रीबिल्डिंग टीवीए इज इजी नो। तो अभी लोकी के पास दो ऑप्शन है, ही हु रिमेंस को मार के लूम को ओवरलोड होने देना या सिल्वी को मार के ही हु रिमेंस को बचाना। बट लोकी बोलता है और वो जाके मोबियस से मिलता है। इधर हमें मोबियस और रेंसलेयर का जरा बैक स्टोरी सुनने मिलता है कि एक हंटर था जो एक 8 साल के बच्चे को प्रून करने के लिए हेजिटेट किया, उसके वजह से बहुत सारे हंटर्स और लोग मारे गए एंड देन उसके पार्टनर ने उस बच्चे को प्रून किया। तो वो हंटर मोबियस था और वो पार्टनर रेंसलेयर थी विच इज़ रियली सैड क्योंकि मोबियस हैज़ अ 8-year-old किड इन रियल लाइफ, दैट्स वाई ही वॉज हेजिटेंट टू प्रून हिम। मतलब उसके मेमोरी वाइप कर सकते हैं बट हिज लव फॉर हिज बॉयस इज अनकंडीशनल। तो मोबियस बोलता है व्हाट हैज़ टू बी डन शुड बी डन एंड यू हैव नो चॉइस बट टू लिव विद दैट बर्डन। तब लोकी का नया आग शुरू होता है और इधर जो 5-6 मिनट वाला सीक्वेंस आया है दैट्स समथिंग एल्स। मतलब लोकी डिस्ट्रॉइंग टेम्पररी लूम एंड वो खुद जाकर मैनुअली हर टाइमलाइन को जिंदा करना एंड देन गोइंग एंड सिटिंग ऑन द थ्रोन, भाई दिस इज व्हाट मार्वल इज, हैट्स ऑफ ब्रो। देन टीवीए इज रिक्रिएटेड विथ न्यू मोटो लेट्स ग्रो टुगेदर। मतलब अभी हर ब्रांच टाइमलाइन अलॉन्ग विथ सैक्रेट टाइमलाइन आर लिविंग इन हारमोनी बिकॉज ऑफ दिस मैन सेक्रीफाइस। ओके, अब तुम सोच रहे होंगे फिर कैंग और उनके वेरियंट्स जो ब्रांच टाइमलाइन में रहेंगे उनका क्या। तो उनको कैंग बनने से पहले ही मार डाल रहे हैं आई गेस बिकॉज एंड में मोबियस बोलता है वन कैंग मेड अ रकस इन 616 एडजेसेंट रियल्म बट दे टुक केयर ऑफ इट। ध्यान से सुनना, दे टुक केयर ऑफ इट। अब ये दे कौन है दिखाया नहीं है बट आई एम श्योर कि कुछ बड़ा सरप्राइज ही होगा। देन मोबियस लीव्स टीवीए एंड देन वी सी रेंसलेयर जो कोई जगह पे पड़ी है
जिधर एक पिरामिड है। सो हियर मी आउट, पूरा सीरीज में बोलते आया हूँ रामा तट आएगा, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड राइट विद दिस पिरामिड। तो वो जगह जरा जरा वॉइड जैसे लग रहा है, एंड वी सी पुराना टीवीए बिल्डिंग भी है उधर। सो आई गेस पुराना टीवीए बिल्डिंग वॉज प्रूंड। तो मेरा थीरी ये है कि वॉइड में रामा तट और रवाना मिलके एक नया टीवीए बनाएंगे, या ओनली रवाना बनाएगी। सो दैट वॉज द एपिसोड गाइस। भाई सच में क्या एपिसोड था यार। दिस इज पीक एमसीयू। सो दैट्स द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।